जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 3। इससे पिछले दो लेक्चर्स में आप लोगों को जीरोस के बारे में बताया था, आप लोगों को कोफिशिएंट्स के बारे में बताया था, रिलेशन कैसे वेरीफाई करते हैं वो बताया था, 2.2 आप लोगों से करवा दी, 2.1 आप लोगों से करवा दी, एग्जांपल्स आप लोगों को ग्रुप में सॉल्व करने के लिए बोल दिए। बोलो यार, बोल दिए नहीं बोल दिए? चलिए अब हम बात करेंगे अपनी जो एक्सरसाइज है 2.3 की। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये 2.3 एक्सरसाइज है क्या। देखिए ये जो एक्सरसाइज है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके ऊपर बेस्ड है, बहुत सारे बड़े मस्त मस्त ऑब्जेक्ट टाइप के, ये बेस्ड है डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम बिल्कुल वही है जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी, बट मैं यहाँ फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसका यूज किया है। मान लो आपके पास कोई पॉलिनोमियल डिग्री 4 का है, ठीक है, और मेरे पास कोई पॉलिनोमियल डिग्री 3 का है, ठीक है, और तुम्हारे पास आया रामलाल और मेरे पास आया श्यामलाल। रामलाल ने तुम्हें दिए 2 जीरोस, कितने जीरोस दिए? 2। श्यामलाल ने मुझे कितने जीरोस दिए? 1 जीरो दिया। और रामलाल ने तुमसे पूछा, भाई 2 तुमको मैं दे रहा हूँ, 2 तुम खुद से फाइंड करो, 2 तुम खुद से फाइंड करो। श्यामलाल ने मुझे बोला, भाई साहब मैं आपको 1 जीरो दे रहा हूँ और 2 आप खुद से फाइंड करो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बाकी जो बचे हुए जीरोस हैं उनको निकालने में भी ये डिवीजन एल्गोरिथम आपकी हेल्प करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप और तरीकों से नहीं निकाल सकते, आप और तरीकों से भी निकाल सकते हो, बट आपके कोर्स में डिवीजन एल्गोरिथम से मेंशन किया गया कि आप उससे निकालिए। ठीक है, तो सही बात है कि नहीं बात है? अब क्या है, इसके ऊपर हम डिवीजन एल्गोरिथम की एक जो थ्योरम है वही बना के दिखाऊंगा, बट मैं पहले एक एग्जांपल लूंगा और फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, बोलो यार, बिल्कुल सिंपल तरीके से। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो 9th में आपने पढ़ा वो आप भूल चुके हो, इसलिए आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से, ठीक है, मान लो मेरे को पॉलीनोमियल गिवन है PX और मेरे को पॉलीनोमियल गिवन है GX। ठीक है, मुझे इसको डिवाइड करना है इससे, हमेशा छोटे डिग्री वाला बड़े को डिवाइड करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मन में सवाल आ रहा होगा, ये x क्यों लिखा हुआ है अंदर में? ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जैसे ये पॉलीनोमियल है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब ये x से मिलके बना हुआ है। देखो 2x स्क्वायर, अगर यहाँ पर टी स्क्वायर होता या टी होता तो यहाँ पर अंदर टी होता, यहाँ पर वाई होता तो यहाँ पर वाई होता। ठीक है, इट इज अ फंक्शन ऑफ, वो लिखने का एक तरीका है मैथमेटिक्स में। ठीक है, बोलो। ठीक है, अब आ जाओ डिवाइड करते हैं। मैंने जो बड़ी जो बड़ा पॉलीनोमियल है उसको डब्बे के अंदर लिख देंगे, कितना है ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, छोटे वाले को यहाँ लिख लेंगे। अब देखो हमको ना इसको डिवाइड करना है इससे, बिल्कुल सिंपल टेक्निक, देखो मैं आपको चला रहा हूँ। सबसे पहले इसको मिलाओ, हमें इसको इसके बराबर पहुँचाना है। ठीक है, यानी कि मैं x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये बन जाए। अब जिनको आता है प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्टली करना सीख जाओगे, बट पहली वीडियो से बनाना सिखा रहा हूँ। देखो x की मल्टीप्लाई मुझे नहीं पता किससे करूँ, मुझे नहीं पता किससे करूँ, क्वेश्चन मार्क बना दिया कि क्या बन जाए, 2x स्क्वायर, क्या बन जाए, 2x स्क्वायर बन जाए। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, बिल्कुल यार जो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 2x। इसका मतलब अगर x की मल्टीप्लाई 2x से करूंगा तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। बड़ी सिंपल सी चीज है, बट जब धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगा तो ये मेथड आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, मैं सिखा रहा हूँ, डायरेक्टली करता हूँ। 2x से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2x इन 2x कितना बन गया, 2x स्क्वायर, फिर 2x की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 2 जा 4x सबसे होगी ना भाई, क्या साइन आएगा, प्लस का, ये भी किसका है, प्लस का। आपको पता है डिवाइड में साइन क्या होते हैं, चेंज। अगर साइन तुम चेंज हो गए, तुम तो माइनस हो गए, तुम तो कट गए। ठीक है, 2 बोल रहा हूँ, होता है ऐसा। ठीक है, रात को एक आदत ज्यादा लगा गया था। 3 - 4x कितना आ गया, माइनस के x प्लस 1, सही ना। चलो अब बात करें थोड़ी सी आगे। अब हमें ये करना है, देखो अब यार मन में सवाल, कब तक करेंगे ये कब तक करते रहेंगे? भाई तब तक करेंगे जब तक इसकी जो डिग्री है किसकी, रिमाइंडर की, जब तक रिमाइंडर की जो डिग्री है वो या तो जीरो ना हो जाए, यानी कि डिग्री खत्म ना हो जाए रिमाइंडर की, या फिर रिमाइंडर की डिग्री इससे, ये कहता जी एक्स, इससे हमेशा क्या होनी चाहिए, कम, क्या होनी चाहिए, कम। इन दो बातों का ध्यान रखना, ये डिग्री की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, डिग्री की, सही बात है। ठीक है, सही बात है ना। चलो इसका मतलब अभी तो डिग्री बराबर है, इसकी डिग्री वन, इसका मतलब हम करेंगे। अब आप बताओ x को आपको माइनस x बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, खाली माइनस से, बिल्कुल वही देखो, बेस x की किससे मल्टीप्लाई करूं कि क्या बन जाए, माइनस x, तुम नीचे जाओगे क्वेश्चन मार्क, तुम क्या आ गए, माइनस x अपॉन x काटेंगे, तुम क्या आ गए, माइनस 1। यानी कि अगर आप x की मल्टीप्लाई माइनस 1 से कर देंगे, तो आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी है, इसको मैं सिखा रहा हूँ, इससे इजी पता नहीं क्या ही होगा फिर। ठीक है, x की मल्टीप्लाई किससे करी, माइनस 1 से, x इंटू माइनस 1 माइनस x बन गया सेम, 2 इंटू 1 2,
प्लस इंटू माइनस माइनस। अब भी सिखाया डिवाइड में क्या होते हैं, तू बोल बे किसने डिवाइड में क्या होते हैं, साइन चेंज क्या होते हैं, साइन चेंज। तो बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस, ये कट गया। अब ये प्लस कैलकुलेट होगा, प्लस टू प्लस वन कितना आ गया, थ्री। अब आप मुझे बताओ इसकी डिग्री कितनी है, वन। यहाँ इस पे कोई एक्स है, इस पे कोई एक्स है नहीं, इसका मतलब इसकी डिग्री खत्म हो गई। अगर इसकी डिग्री खत्म हो गई, अगर इसकी डिग्री खत्म हो गई बिल्कुल, इसकी डिग्री मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो गई, ठीक है, डिग्री जीरो आ गई है, तो इसका मतलब हमें इसका आगे सॉल्व इसको नहीं करना है, ठीक है। तो बस ये आपका फाइनल कंक्लूजन आ गया। अब आप मुझे बात बताओ क्या आपका रिमाइंडर जीरो आया नहीं आया। अगर आपका रिमाइंडर जीरो आता, अगर आपका रिमाइंडर जीरो आता, आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन करेंगे आपको ऐसे दूंगा, अगर आपका रिमाइंडर जीरो आता तो आप कहते यस x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं आया तो आप बोलेंगे ये इसका फैक्टर नहीं है। इसको टेस्ट करने का एक और बड़ा सिंपल जुगाड़ है, x की वैल्यू माइनस, यहाँ से -2 निकालो, इसमें पुट कर दो, अगर जीरो आया तो सही है, वरना जीरो नहीं है, बट हमें डिवीजन एल्गोरिथम से करना है। आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है इसको बोलते हैं आर एक्स। अभी तो इसमें एक्स लिखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि अभी इसमें एक्स का फंक्शन आया नहीं, बट फिर भी इसको लिखने का तरीका सीखो, ठीक है। और जो ऊपर ये आपका बना इसको बोलते हैं क्यू एक्स, इसको बोलते हैं अभी बताया जी एक्स, इसे क्या बोलते हैं मेरा देखो बाप जी को पी एक्स, ठीक है। यार जब तुम बचपन में बिल्कुल छोटे से थे तुम कैसे लिखते थे, 5 2 2 2 जा 4 -1। अब तुम्हें ये 5 लिखना है, कैसे लिखते थे, 2 × 2 + 1। ये क्या था तुम्हारा देखो जरा पी एक्स, ये तुम्हारा क्या था जी एक्स, ये तुम्हारा क्या था क्यू एक्स, ऊपर वाला 2 2 जा, और तुमने ऐड क्या किया आर एक्स। इसी को तो बोलते हैं डिवीजन लगाड़ता, यही तो है डिवीजन लगाड़ता। अब जरा इसको ढंग से लिखने की कोशिश कर लेते हैं, इसको बता दो, ठीक है। अब देखो बन गया डिवीजन लगाड़ता, हमेशा रखना डिवीजन लगाड़ता में कैसे कैसे आपको कैसे कार्रवाई कराएगा आपसे। देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे आपको पी एक्स बनाना है, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स। अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूं, उसमें क्या जोड़ दूं, रिमाइंडर जोड़ दूं, तो अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड मतलब किसको फोड़ना है, इसका मतलब डिवाइजर, किससे फोड़ना है, इसका मतलब क्वोशेंट, फोड़ने के बाद ऊपर क्या आया, इसका मतलब रिमाइंडर, फोड़ने के बाद बचा क्या, और इस पूरे को बोलते हैं फोड़ना, ठीक है। बोलो यार इजी है ना, समझ आ गया ना, समझ आ गया कैसे करना डिवाइड। अब क्या होता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, उसमें आप ये गलती मत कर देना। उसमें क्या है कि ऐसे मान लो ये कोई प्रॉब्लम है, फिर मैं सेम दे रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मान लो कि, अरे मान लो उसमें बैठा देते, बैठा दो नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लिया। ठीक है, तो जब डिवाइड करोगे हमेशा रखना छोटी डिग्री होनी चाहिए, छोटी डिग्री को डिवाइड करोगे बड़ी डिग्री से। अगर डिवाइड करने पे जीरो आ गया तो बोलोगे इट इज अ फैक्टर, और अगर डिवाइड करने पे जीरो नहीं आया तो बोलोगे नो इट इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। तुझको हाँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसको डिवाइड करो इससे 2 - x², तो जब भी डिवाइड करोगे, मैंने आपको बात सिखाई थी हमेशा बड़ी डिग्री आगे छोटी डिग्री पीछे, तो क्या करोगे, बड़ी डिग्री यहां पर रख दोगे छोटी डिग्री यहां पर, फिर अब सेम तरीके से जो उसको डिवाइड करने का मैंने आपको प्रोसेस सिखाया, आप सेम तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, बस इस माइनस का ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे मान लो, फिर से वही ट्रिक तुमको सिखाता हूँ, जैसे मान लो माइनस को क्या बनाना है x², तो क्या करेंगे, माइनस एक्स को रफ में कर सकते हो, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मुझे तो पता है कि अगर माइनस एक्स की मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने आप x³ बन जाएगा वो, ठीक है। माइनस एक्स की किससे मल्टीप्लाई करो कि क्या बन जाए x³, ठीक है, x² सॉरी, माइनस x² किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x³ बन जाए, तो माइनस को ये पूरा का पूरा डिवाइड चले जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, x³ - x², तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, 2 डिग्री से 1 डिग्री कट जाएगी, माइनस के एक्स, इसका मतलब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो सर, किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा बोलो ये क्या बन जाएगा, -(-+x³)-(-2x), यहाँ पर एक्स कहीं है नहीं, -(-2), इसलिए एक्स को अलग लिखो, देखो एक्स कहीं पर है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए एक्स को अलग लिखा जाएगा। अब क्या करोगे, साइन चेंज, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, ये कट गया, ये क्या आएगा, सबसे पहले बड़ी डिग्री 2x², ठीक है, ये पहले माइनस था ना, फिर तुमने प्लस बनाया बाद में, अब लिखा जाएगा +2x, ठीक है, लिखा जाएगा +1, सही बात है कि नहीं बात है। फिर एक स्टेप और परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि डिग्री बराबर है, फिर से वही कंसेप्ट, -(x² की किससे मल्टीप्लाई करूं कि क्या बन जाए 2x²,
ठीक है, धीरे 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 स्पीड बन जाएगी ना, अपने आप करना सीख जाओगे। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 2x² / -x² कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, -2। यस, इसका मतलब -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 - 2 + 2x² बन गया ना प्लस अपने आप ही, ठीक है। 2 2 = 4, प्लस माइनस माइनस, देखो ना प्लस इंटू माइनस माइनस, क्या करेंगे साइन चेंज, माइनस यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक है, इसका माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये पूरा कूड़ा कट गया, ये कितना आ गया 2x प्लस का है और ये प्लस का है, तो कितना आ गया +5। अब आप इससे डिवाइड नहीं करोगे क्योंकि इसकी डिग्री 2x की डिग्री बने, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर, ये आ गया आपका क्वोशेंट, तो ये क्या आ गया आपका जिससे आपने डिवाइड किया डिवाइजर, ये आपका क्या है डिविजन, समझ आ रहा है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे तो पूछता है एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू सो दैट इट बिकम अ फैक्टर ऑफ दिस, उसमें क्या होगा, आपको पता है ये आपका px है, ये आपका gx है, ये आपका qx है और ये आपका rx है, ठीक है, उसमें क्या क्या हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 नोटिस करना, 4, इस 4 में से उसने आपको 3 चीजें दे दी और उसने आपसे एक चीज पूछ ली, उसने बोला कि मैं इस बंदे में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि वो उसका एग्जैक्टली फैक्टर बन जाए, तो आप सब कुछ जो वैल्यूज आपको दी है इसमें रखना, देखना वो डिविडेंड कौन सा है, डिवाइजर कौन सा है, कोशेंट कौन सा है और क्या आप और रिमाइंडर क्या, और उसमें से कौन सा आपको कोई भी एक निकालना है, ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है, ठीक है, आप उसको आराम से इसमें रख के कर सकते हैं, नहीं होगा तो ग्रुप में से डाउट पूछ देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, देखो उसने बोला कि मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल एग्जाम्पल लेंगे सेम इसी के ऊपर बेस्ड, एनसीईआरटी में एक पीछे एक्सरसाइज में वो भी है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो भी हर क्वेश्चन है, ठीक है, 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2, ठीक है, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, इसका नाम है जी एक्स, ठीक है। उसने बोला जो मैं आपसे स्टार्टिंग में बताया था शुरू में ही, उसने बोला कि इसके ना दो जीरोज हैं, इसके दो जीरोज हैं, एक तो है √2, बोलो यार कितना है √2 और दूसरा कितना है -√2, एक तो है √2 और दूसरा कितना है -√2, तो आप इसके जो बचे हुए जीरोज हैं आप इसके क्या निकालो, जो बचे हुए जीरोज हैं आप मुझे बात बताओ, इसकी डिग्री कितनी है 4, इसका मतलब इसके 4 जीरोज होंगे, 2 उसने आपको दे दिए, 2 वो आपसे पूछ रहा है। अब देखो इन 2 को निकालने का तरीका है, सबसे पहले क्या आप इन 2 जीरोज से पॉलिनोमियल नहीं बना सकते, मैंने आपको सिखाया था एक अल्फा है एक बीटा है, आप पहले इसका सम निकाल दो, ठीक है, आप क्या पहले आप इससे पॉलिनोमियल बनाओ, ठीक है, ये आपके पास जी एक्स है, तो ये जो जीरो जो उसने आपको हिंट दिया ना, इससे पता आप क्या बनाओगे, इससे आप बनाओगे जी एक्स, क्या बनाओगे जी एक्स, फिर आप इसको इससे डिवाइड करोगे, सही बात है कि नहीं बात है, सॉरी जी एक्स नहीं बनेगा इससे, ये पी एक्स है ना, ये पी एक्स है, आप इससे क्या बनाओगे जी एक्स, तो डिविडेंड है, आप इसे डिवाइजर बनाओगे, ये आपका पहला जीरो, ये आपका दूसरा जीरो, मैंने पहली वीडियो में समझाया हुआ कैसे बनाते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, पहले सम निकालेंगे इसका, अल्फा प्लस बीटा सम कितना आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो जीरो और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा √2 √2 और माइनस के, ठीक है। अब देखो कैसा बनेगा इसका पॉलिनोमियल, x² - sum of zeros into x + √0 सिखाया हुआ है, तो कितना बनेगा x² बोलो -sum of zeros कितना है 0 माइनस 0 × x + √0 कितना है -2, तो पॉलिनोमियल क्या बन गया x² - 2, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हम भी बना रहे हैं ऐसे, हम तो ऐसा बना सकते हैं, भैया एक फैक्टर √2 है और भैया एक फैक्टर -√2 है, तू इधर आएगा अरे तू इधर आएगा तो क्या बन जाएगा x - √2, तू इधर आएगा तो क्या बन जाएगा अब x + √2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो x - √2 और x + √2, ये क्या बन गया a + b a - b, तो क्या बनेगा एंटिटी a² - b² √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 2, देखो फिर से वही आ गया। आप कैसे बनाओ पॉलिनोमियल वो आपकी मर्जी है, समझ आ गया, बस आपका पॉलिनोमियल बनना चाहिए, ठीक है, चाहे आप पुराने कन्वेंशन मेथड से बनाओ या आप इससे बना लो, मैंने इससे फैक्टर निकाले और मैंने दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल बना लिया, बन गया पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई जी एक्स की, आ गई जी एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो इतना मैं बना लो इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, इतना बना लूंगी जी एक्स तक निकल गया, ठीक है। अब देखो क्या करो, वही जो अपना पुराना जुगाड़ है, ठीक है, इसको फोड़ो, हट जा पीएक्स यहाँ से, तू भी हट जाओ,
टू बी हर्ट्ज। जब जी एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो जी एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली, जी एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब ये मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया, एक्स स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई करूंगे, टू एक्स की पावर फोर बन जाए। बोलो यार, देखो ये स्क्वायर है, फोर वन है, इसका मतलब यहाँ पर डिग्री टू तो हमको चाहिए चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, सही बनेगा। यहाँ पर वन है, हमें कितना चाहिए, टू चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर टू तो चाहिए चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। प्लस प्लस कोई दिक्कत नहीं, हो गया काम, ठीक है। अब जब आप टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई से करेंगे तो टू वन जट कितना बन जाएगा, टू एक्स की पावर फोर, टू माइनस फोर, टू टू जा माइनस के फोर, जो डिग्री है उसके नीचे लिखी जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं है ना इसके आपने, तो एक्स स्क्वायर आएगा, टू टू जा माइनस के फोर एक्स स्क्वायर। देखो स्क्वायर को स्क्वायर नीचे लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, ये कट गया, ये कितना आएगा, माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा बोलो, ये कितना आएगा माइनस थ्री और प्लस के फोर, तो प्लस के एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा प्लस के सिक्स एक्स, ये कितना आएगा माइनस के टू। देखा बिल्कुल तुम्हारे सामने कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सिंपल तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मुझे बनाना है एक्स स्क्वायर को बनाना है एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर को बनाना है एक्स क्यूब, तो इसका मतलब मुझे एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कम से कम, यहाँ पर वन है और मुझे क्या चाहिए माइनस थ्री, तो इसका मतलब मुझे माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप उस मेथड से निकाल सकते हो, मैंने आपको सिखाया, माइनस थ्री की मल्टीप्लाई से करूँगा तो क्या बन जाएगा माइनस थ्री एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस, थ्री टू जा सिक्स एक्स, ये लिखा जाएगा इधर, सही बात है कि नहीं बात है बोलो, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, प्लस माइनस, चल घर को निकल, चल घर को निकल, अब क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू, बोलो यार क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब क्या करेंगे, सिंपल, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन से, जैसे आपने इसको वन से मल्टीप्लाई किया ये क्या बन जाएगा आपका, बोलो भाई ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई वन से स्क्वायर, माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस, आप साइन चेंज करेंगे, आप ये करेंगे प्लस, ये करेंगे माइनस, कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया जीरो, रिमाइंडर क्या आ गया जीरो। जैसे ही आपका ये रिमाइंडर जीरो आया, इसका मतलब आपने सारी कार्रवाई कर दी। और हमेशा इन क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि आपको दो जीरोस देगा और दो और फाइंड करने, एक देगा दो और फाइंड करने, रिमाइंडर पक्का जीरो आएगा। अब दिक्कत ये है कि हमें तो क्या निकालना था, हमें तो भाई दो जीरोस निकालने थे, वो कहाँ छुपे हैं, वो छुपे हैं यहाँ। तो हमेशा रखना इन क्वेश्चन में जो क्यू एक्स होता है ना, वहाँ हमारा आंसर छुपा होता है। हमें क्यू एक्स में देखो, देखो डिग्री टू आ गई है, डिग्री टू का मतलब इसके अंदर दो जीरो छुपे हुए हैं, वही हमको निकालने हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे करना है, अब तो मेरे ख्याल से आपको आता है यार, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, अपन लोग बड़े सिंपल तरीके से स्प्लिट कर देंगे इसको, ठीक है। किस कैसे बनेगा स्प्लिट फैक्टर इसका, टू एक्स स्क्वायर देखो ना, ये माइनस थ्री एक्स है ना, तो ऐड करने में माइनस थ्री बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में प्लस टू बनना चाहिए, तो माइनस टू और साथ में माइनस वन, देखो इन दोनों को ऐड करो तो माइनस थ्री बनता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टू बनता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब टू एक्स स्क्वायर माइनस के टू और साथ में क्या लिखेंगे, माइनस के वन, माइनस के टू एक्स और माइनस के वन एक्स प्लस वन, देखो इनको ऐड करोगे फिर से माइनस थ्री बनता है, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा टू इंटू वन, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ से टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को एक साथ लिख लिया, और यहाँ से हमने क्या किया, माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, माइनस वन है। अब यहाँ से मैंने टू कॉमन लिया, बोलो यार क्या कॉमन लिया, टू, साथ मैंने क्या कॉमन लिया एक्स, अंदर क्या बच गया, यहाँ से बचा एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे इन दोनों फैक्टर को मुझे सेम बनाना है, तो मुझे यहाँ से क्या कॉमन देना पड़ेगा, माइनस वन। जैसे ही मैं यहाँ से माइनस वन कॉमन लूंगा, जैसे ही मैं यहाँ से माइनस वन कॉमन लूंगा, तो इस जैसे मैं से माइनस कॉमन लूंगा, तो हमेशा रखना माइनस कॉमन लेने से या किसी को माइनस देने से उसके साइन चेंज होते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ से माइनस वन कॉमन लिया, तो माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस के एक्स, ठीक है, और प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस के वन। इसका मतलब आप ध्यान से देखो, अगर आपके ये दोनों फैक्टर सेम आ गए, इसका मतलब आपने सही किया हुआ है। जब आप यहाँ से अपने दो फैक्टर निकालेंगे, आपके दो फैक्टर क्या होते हैं, एक फैक्टर तो आपका ये होता है जब आप कॉमन लेंगे पूरे एक्स माइनस वन, एक फैक्टर तो आपका निकला बोलो यार, ठीक है, इसको मिटा दो, रिमाइंडर लिखो, ठीक है। तो जब इसके हम दो फैक्टर निकालेंगे, तो एक फैक्टर का निकलेगा एक्स माइनस वन ये वाला, और दूसरा फैक्टर क्या निकलेगा हमारा 2x माइनस वन, सही बात है कि नहीं बात है बोलो, ठीक है। इसका मतलब यहां से अगर हम जीरोस निकालें, तो पहला जीरो क्या निकलने वाला है हमारा x इक्वल्स टू वन, और यहां से जीरो क्या निकलेगा हमारा x इक्वल्स टू हाफ, तो निकल इसको जीरो के इक्वल करेंगे ना, 2x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हाफ, एक बार इसको जीरो के इक्वल करेंगे, x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो x कितना आ गया वन, तो इसका मतलब हमारे दो जीरोस और आ गए। अब ध्यान से देखो, हमें दो जीरोस उन्होंने खुद दिए थे, हमें उन्होंने बोला था भैया रूट टू एक जीरो है,
एक माइनस रूट टू है और दो आपने निकाल लिए, कौन सा, वन और हाफ। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है किस तरह कर रहा हूँ मैं? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो मैंने आज पूरा का पूरा पढ़ाया, मैंने आप लोगों को आज डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाई और मैंने आप लोगों को आज इसके क्वेश्चन सॉल्व कराए, बिल्कुल सिंपल सिंपल एनसीईआरटी के, आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का पहला दूसरा क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिवाइड करना है और आपको बताना है कि वो उसका फैक्टर है नहीं है, उसको तो बड़ी आसानी से बड़े इजिली लगा सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है उसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है। बोलो यार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आराम से 2.3 के जो क्वेश्चन है उनको लगाओ। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को और असाइनमेंट दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।